देश का नया संसद भवन बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को इसका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम दलों ने पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन को मुद्दा बनाकर सियासी महाभारत छेड़ दी है। विपक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नए संसद भवन का उद्घाटन कराने की मांग कर रहा है और अब तक नई संसद का समर्थन करने वाले 25 दल मोदी सरकार के साथ आ गए हैं, जबकि 21 दलों ने बहिष्कार का मुहिम अपने हाथ में एक तरीके से उसकी मुहिम को ले लिया है और बीजेपी ने अब इन 21 पार्टियों को बायकॉट कहना भी शुरू कर दिया। बायकॉट गैंग कह रही है बीजेपी दरअसल। और आपको बता दें कि इन सबके इतर विपक्ष दो धड़ों में बटा हुआ दिख रहा है। कुछ विपक्षी दल सरकार के समर्थन में भी खड़े नजर आते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 7 दल इसमें ऐसे हैं जिन्होंने विपक्षी एकता को झटका देते हुए इस मुद्दे पर मोदी सरकार को अपना समर्थन दिया है और अब एक तरीके से सियासी गलियारों में इसकी चर्चा भी हो रही है, क्योंकि उद्घाटन की तारीख के बाद जिस तरह से विपक्ष ने विरोध का बिगुल फूंका था, उसके बाद अब 25 दलों का समर्थन मिलना बीजेपी के लिए राहत वाली बात है। मोदी सरकार का न्योता स्वीकार करने वाले जो 25 दल हैं, उसमें 7 गैर एनडीए दल हैं। बहुजन समाज पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, जनता दल सेकुलर, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल और तेलुगु देशम पार्टी ने समारोह में शामिल होने की बात कही है और इन 7 पार्टियों के लोकसभा में कुल मिलाकर 50 सदस्य हैं। 2014 के बाद ये पहली बार है जब 20 विपक्षी पार्टियां एक साथ किसी मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी हैं। आपको आज हम इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले बात बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है वो दलित माना जाता है। बीएसपी पार्टी के गठन से पहले तक यूपी में ये कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था और ऐसे में बीएसपी को लगता था कि अगर वो कांग्रेस के साथ खड़ी होती है तो उसकी बची हुई सियासी जमीन भी खतरे में पड़ सकती है। और इसका ताजा उदाहरण कर्नाटक में देखने को मिला। कर्नाटक में जो दलित वोटर हैं वो कांग्रेस की तरफ लौटे हैं, जिसे देखते हुए मायावती अब सतर्क हो गई। वहीं संसद भवन उद्घाटन का बायकॉट करने वाले दलों में समाजवादी पार्टी भी शामिल है। यूपी में सपा और बसपा एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हैं। ऐसे में बीएसपी भी उसी पाले में खड़े होकर ये सियासी संदेश नहीं देना चाहती कि वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नक्शे कदम पर चल रही है, इसलिए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का फैसला कर सभी को चौंका दिया है। अब बात शिरोमणि अकाली दल की। तो शिरोमणि अकाली दल लंबे वक्त तक तो एनडीए में रहा। पिछले साल किसान के मुद्दे पर अकाली दल ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया और इसके बाद पंजाब चुनाव में बीजेपी और अकाली दल अलग अलग चुनाव लड़े और इस चुनाव में दोनों को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। अब किसानों का मुद्दा खत्म हो गया है और अकाली दल बीजेपी 2024 की सियासी तैयारियों में जुट गई। तो ऐसे में अकाली दल ने भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर बीजेपी के साथ आने का फैसला कर लिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी समर्थन का फैसला किया है। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर रहे हैं। उन्हें नीतीश कुमार तेजस्वी के गठबंधन वाली सरकार में भी जगह नहीं मिली। वहीं नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं और ऐसे में पिछले कुछ दिनों में चिराग पासवान की नजदीकी बीजेपी से बढ़ी है। वो पहले भी पीएम मोदी की खुलकर तारीफ कर चुके हैं। माना जा रहा है कि 2024 में वो बीजेपी का समर्थन भी कर सकते हैं। वाईएसआर कांग्रेस की बात करें तो आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी वाईएसआर का गठन किया और इसके बाद उन्होंने राज्य में अपनी सरकार बनाई और ऐसे में वो भले एनडीए में शामिल न हो लेकिन कई मुद्दों पर मोदी सरकार का समर्थन करते रहे। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक ने पिछले दिनों विपक्षी एकता में जुटे नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि वो लोकसभा और विधानसभा में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। पटनायक की पूरी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ रही है और इतना ही नहीं, पटनायक ऐसे नेता माने जाते हैं जिनका पूरा फोकस ओडिशा की राजनीति पर रहा है और यही वजह है कि उन्होंने उद्घाटन समारोह में शामिल होने का ऐलान किया है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी भी उद्घाटन समारोह में शामिल होगी। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी एनडीए का हिस्सा रही है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था, लेकिन चर्चा है कि 2024 के चुनाव में वो एक बार फिर एनडीए के साथ आ सकते हैं। कर्नाटक में सक्रिय जनता दल सेकुलर भी उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेगी और हाल ही में विधानसभा चुनाव जो हुए हैं कांग्रेस ने, जिसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में वो कामयाब रही, पार्टी ने जेडीएस के वोट बैंक में भी सेंध लगाया, यानी कांग्रेस ने जेडीएस में भी सेंध लगाया और ऐसे में अब जेडीएस को डर है कि अगर वो कांग्रेस के साथ खड़ी होती है तो उसके बचे हुए वोट बैंक में भी कांग्रेस इसी तरीके से सेंध लगा सकती, इसलिए उसने भी इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने का फैसला कर लिया। तो ये वो दल हैं जो
अपनी अपनी मजबूरी, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का विरोध भी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।